गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 7, डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स. द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. एज यू ऑल नो दैट ए एंड द है वो आर्टिकल्स हैं. The article A is used before a singular noun beginning with a consonant sound. Article A है वो singular noun जिसका beginning sound, यानी कि जो starting का sound है वो consonant से start हो रहा हो, तो A article use होता है. For example, a pen, a book, a duck, a yak. Next. The article an is used before a singular noun beginning with a vowel sound. Article an है वो singular noun लेकिन vowel sound से start हो रहा हो वहाँ use होता है. For example, an apple, an owl, an umbrella, an art. Next, the article the is placed before a noun to specify something. द आर्टिकल है वो किसी भी नाउन के आगे प्लेस होता है, उसे रखा जाता है, लेकिन किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए द आर्टिकल यूज होता है. इट इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड. ऐसे नाउन्स जो खुद ही एक नाउन ही है, प्रॉपर नाउन ही है. द सन, द मून. Nouns that are already talked about, ऐसे nouns जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है. There is a book on the table, the book is open. See, यहाँ पर पहले जब book आया तो a आया उसके article में, लेकिन जब second time आया तो ध लगा, right? क्योंकि पहली बार में हमने book के बारे में already बात कर ली है, इसलिए जब second time book word आया तो उसके आगे द आर्टिकल लगा. नेम्स बिल्डिंग्स, नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, रिवर के नेम्स, माउंटेन या फिर माउंटेन रेंजेस के नेम्स, बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स के नेम हो, हॉली बुक्स के नेम हो या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नेम हो, तो उन सारी जगह पर द आर्टिकल लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स में, रिवर्स का एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द हुगली. माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस, द एल्प्स, द हिमालयाज. फेमस बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द एफिल टावर. होली बुक्स, द बाइबल, द गीता. एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स. The article A and N are called indefinite articles. The article the is called the definite articles. Okay, the को definite article इसलिए बोला गया है क्योंकि the है वो specially जहाँ हमें बताया हो उसी जगह the का use होता है. हम सारी जगह the article use नहीं कर सकते हैं. हमें आगे बताया उसी उसी जगह पर हम द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसको डिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं. मतलब उसकी एक लिमिट्स होती है, लिमिटेशंस होती है. लेकिन ए एंड एन है उसको इनडिफाइनाइट आर्टिकल बोला गया है बिकॉज ए है वो ऐसे नाउन्स, राइट, जिसका स्टार्टिंग साउंड हो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, और एन है, राइट, उसको उस जगह यूज किया जाता है जहां नाउन का स्टार्टिंग साउंड वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो. तो उसमें कोई वो फिक्स ही है, ए एंड एन का फिक्स ही है, राइट, द का भी फिक्स ही है, लेकिन द हर जगह यूज नहीं किया जाता. वेर इज ऑल्सो यूज इन द सिचुएशंस व्हेन स्पीकिंग अबाउट नेशनैलिटीज. When a singular noun is used, one by one explain कर रही हूँ. The है वो कुछ special situations होती है नीचे जैसे दिखाई है, आप वहाँ पर भी article the लगा सकते हो. For example, जब आप किसी की nationality के बारे में बात कर रहे हो, the Indians, the Americans, the French. And next,
When a singular noun is used to refer to a kind of or a class of something, like the lion is the king of animals. लेकिन जब किसी के बारे में स्पेशली बात करनी हो, किसी भी सिंगुलर नाउन के बारे में स्पेशली बात करनी हो, उसके क्लास के बारे में बात करनी हो, तो ध लगाया जाता है, लाइक द लायन इज द किंग ऑफ एनिमल्स. ओके, सो एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑल द एक्सरसाइजेस फॉर यू, राइट? सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक विथ फाइन हैंड राइटिंग्स. मैं सीधा आंसर के साथ ही ब्लैंक्स रीड कर रही हूँ. एन आउल एंड अ माउस, अ नाइफ एंड अ फोक, अ काउ एंड एन ऑक्स, एन ऑग्रे एंड अ प्रिंसेस, अ बनाना एंड अ पीच, अ पेन एंड अ पेंसिल, अ स्क्विरल एंड एन ईगल, अ हेलीकॉप्टर एंड एन एरोप्लेन, a couch and a chair, a bat and a ball. Next, the articles are missing in the following sentences. Mark four articles in the space provided. One has been done for you. नीचे आपको sentences दिए हैं जहां पर articles missing है. तो जहाँ आर्टिकल मिसिंग है उस प्लेस पर आपको स्लैश लगाना है, स्लैश लिख करना है, और आपको ब्लैंक दी है उसमें कौन सा आर्टिकल या फिर आर्टिकल्स आएंगे वो आपको करना है. दिस एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी डन. स्लैश पॉपुलर इज स्लैश टॉल ट्री. तो द पॉपुलर, सॉरी, द पॉपुलर इज a tall tree. तो ध एंड ए वो बोथ वर्ड मिसिंग, राइट? तो वो आपको यहाँ पे लिख के दिया है. तो ऐसे ही ये जितनी जितने भी हैं सेंटेंसेस, राइट, वो मैंने सॉल्व करके दिए हैं. थर्ड एक्सरसाइज, रवि हैज मेड सम मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सर्कल द मिस्टेक्स एंड री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली. वन हैज बीन डन फॉर यू. रवि ने नीचे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं और उसमें उसने कुछ मिस्टेक्स की है, तो उस मिस्टेक पे आपको सर्कल करना है और उस सेंटेंस को आपको करेक्टली फिर से लिखना है. पहला आपको करके दिया है, वी हैव एन फ्रेंडली गार्डनर. आंसर, वी हैव अ फ्रेंडली गार्डनर. सो नेक्स्ट इज, द गार्डनर हैज अ आयरन बॉक्स. आंसर, द गार्डनर हैज एन आयरन बॉक्स. नेक्स्ट, She also has an pet dog. Answer, she also has a pet dog. Next, she carries a heavy box full of tools. Answer, she carries a heavy box full of tools. Today, next, her father is a wise old man. Answer, her father is a wise old man. Last, she is a honest and hard working woman. Answer, she is an honest and hard working woman. Next exercise, form pairs with the help of your partner. Rearrange the words and rewrite the sentences, completing them with an article. One has been done for you. यहाँ पर आपको boxes दिए हैं, boxes के अंदर words दिए हैं, जो टेढ़े मेढ़े दिए हैं, right? उल्टे पुल्टे दिए हैं, जो आपको सही से लगाने हैं, और इसमें article missing है, तो कौन सा article fit बैठेगा वो आपको decide करके फिर sentence complete करना है. So the first is, सी, आपको जो बॉक्सेस ये है, ब्लैंक, इज, फुल स्टॉप, स्विमिंग, रिवर, इन, सुजैन. तो आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, सुजैन इज स्विमिंग इन द रिवर. आर्टिकल यहाँ पे लगेगा द. सो अब जो है उसके आंसर्स ही मैं रीड कर रही हूँ. राहुल इज ईटिंग एन एग. फ्रांस इज एन यूरोपियन कंट्री.
Mr. Ram is an inspector. He is the chief minister of Punjab. Take an umbrella with you. I have read an Arabian Nights. An elephant eats grass. You are an intelligent boy. Choose an animal that you find interesting. Draw or paste a picture of the animal in the box. Describe why you find the animal interesting. Underline all the articles in your sentences. नीचे आप लोगों को लाइंस दी है जहाँ पे आप लोगों को आपका जो इंटरेस्टिंग, आपको जो एनिमल इंटरेस्टिंग लगता हो उसके बारे में लिखना है, और बाजू में जो बॉक्स दिया है वहाँ पे आपको उस एनिमल का पिक्चर पेस्ट करना है, और एल्स यू कैन ड्रॉ इट. ओके, तो ड्रॉ अगर करना आता है तो ड्रॉ कर सकते हो, और एल्स वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो पिक्चर, और आप जो भी सेंटेंसेस लिखो एनिमल के बारे में, राइट. तो आपको लिखना क्या है, आपको ये लिखना है कि आपको वो एनिमल इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, और फिर जितने भी आर्टिकल्स यूज हुए हो उन सारे आर्टिकल के नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करनी है. सो गाइज, हियर योर चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड. ओके, टेक केयर, बाय बाय.